दबा के भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Armless in the world, and she is competing with the able-bodied archer, and her this is the second national medal, and she is doing amazing. She shot 337 out of 360. करके फिनिश करेगी। प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, आप सब देख सकते हैं जितने भी खिलाड़ी हमारे देश के अलग अलग के मिनिस्ट्री का प्रस्ताव था कि इस तरीके से महिलाओं का टूर्नामेंट वगैरह कराया जाए, तो उसके लिए इसकी जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण गई। भारतीय खेल प्राधिकरण हर गेम के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को इस तरीके का टूर्नामेंट कराने के लिए प्रेरित कर रहा है और उसके लिए फंडिंग भी कर रहा है। और यहाँ पर जो तीरंदाजी का टूर्नामेंट चल रहा है ये तीसरा चरण है इसका, इसके बाद चौथा और पांचवा। पांचवें चरण में क्या होगा कि चारों एनआरटी से 16-16 महिलाओं को लेकर के फिर फाइनल एनआरटी कराई जाएगी और उसके बाद में मंत्रालय बहुत ही अच्छा कैश प्राइज भी सभी को दे रहा है। इसमें लगभग 330 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और टोटल 30 स्टेट हैं, जिसमें कि आपका नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर। जी हाँ, इस तरीके का टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, वो भी गोवर्धन की धरती।